सो गाइस, क्या आप लोग भी अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को इधर से उधर मूवमेंट करना चाहते हैं? तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इधर से उधर मूवमेंट नहीं होती है, आप इसको रिमूव भी यहाँ से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको फ़ोन में ज़रूर देखने के लिए मिलती होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इन प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैं कॉल एप्लीकेशन को करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप लोगों ने जो आपकी एप्लीकेशन है उसको अगर आप लोगों ने लॉक करके रखा हुआ है, तो यहाँ से आप सबसे पहले उसे अनलॉक कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए, लॉक एप्लीकेशन आपको इस तरफ दिखाई देंगी, आप इन एप्लीकेशन को अनलॉक कर दीजिए, जिस एप्लीकेशन को आप इधर से उधर मूवमेंट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर जो होम स्क्रीन होता है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। आपको ये जो ऑप्शन है इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ऊपर आना है, और यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड लेआउट का ऑप्शन मिलता है, इसे भी लॉक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन को आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।